Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So, आज हम करेंगे functions, right? So, functions क्या होते हैं PHP में? So, PHP पे भी आप functions बना सकते हो, बहुत सारे functions पहले से बने हुए भी होते हैं. So, हमारे पास functions user defined भी होते हैं, मतलब as a programmer, I can define my own functions. Along with that, आपके पास प्रीडिफाइंड या जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं वो भी होते हैं. ठीक है, और फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, फंक्शन होता है ब्लॉक्ड स्टेटमेंट्स, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसे हम एक ब्लॉक में लिखते हैं और उसको हम एक नाम दे देते हैं और उस नाम के थ्रू आप उसे रेफर करते हो, राइट? सो जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में सी, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस में फंक्शंस बनाते हैं, वैसे पीएचपी में भी बना सकते हैं. क्या फायदा होता है वो भी डिस्कस करेंगे. बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, तो आपको यहाँ पर मोस्टली आपके बीसीए, बीटेक या बीएससी सिलेबस में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यू विल गेट द लेक्चर्स फॉर ऑल दैट ओवर हियर ऑन द चैनल. सो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ. सो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने होते हैं उनको हम प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं. जो हम एज अ प्रोग्रामर बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. अब हम फंक्शंस क्यों बनाएंगे, है ना? अगर कोई भी ऐसा कोड है जो आपको बहुत बार यूज करना पड़ रहा है और आप उसको बार बार लिख रहे हो, तो कॉपी पेस्ट तो बहुत ओल्ड स्कूल टेक्निक है ना, वो यूज नहीं करनी चाहिए. क्योंकि अगर आपने मान लो 5 बार आपको वो कोड चाहिए भी था तो आपने कॉपी करके उसको 5 बार पेस्ट कर दिया, बट देन यू हैव टू मेक अ चेंज इन दैट कोड. आपको उसमें कुछ चेंजेस करने थे तो वो आपको 5 जगह पर करने पड़ेंगे, है ना? सो मैं अगर फंक्शन बना रही हूँ तो मैंने फंक्शन बनाया, उसको 5 जगह पे कॉल कर लिया. अब अगर मुझे फंक्शन में चेंजेस करने हैं तो मैं सिर्फ एक ही जगह चेंज करूंगी और जहां जहां पे कॉल किया है वो चेंजेस अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, है ना? सो आपका जो कोड है वो कंसिस्टेंट रहता है और आप रीयूज भी कर सकते हो. सो पहला एडवांटेज हो गया हमारे पास रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड रिलायबल एंड कंसिस्टेंट कोड रहता है. देन आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कोड की, कि एक बहुत बड़े काम को आप इकट्ठे लिखे जा रहे हो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है एंड एरर ढूंढना और ठीक करना भी ईजी हो जाता है. सो बेसिकली ओवरऑल फंक्शंस की हेल्प से एक तो आपका कोड स्ट्रक्चर्ड लगता है, मैनेज करना आसान हो जाता है एंड एरर्स के साथ डील करना भी आसान हो जाता है. ठीक है, सो जब भी हम कोडिंग करें हमें हमेशा चाहिए कि हम जो भी छोटा छोटा टास्क है हर टास्क को एक अलग फंक्शन में डिफाइन करें, फिर उस फंक्शन को जहां पर जरूरत है वहां पर कॉल कर लें. तो यहाँ पर अब आपके पास दो चीजें आती हैं जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. सो जब आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, सो पीएचपी में व्हेन वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन तो वो कैसे डिफाइन होगा, बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉल से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. सो जहां पर भी कॉल आया आपके कोड में उससे ऊपर कहीं पे भी आपको फंक्शन डिफाइन किया होना चाहिए. आप यहाँ पे कीवर्ड का यूज करते हो जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है? सो वी राइट अ कीवर्ड नेम्ड फंक्शन, उसके बाद आपको फंक्शन का कुछ भी नाम देना है जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. सो यू शुड गिव नेम ऑफ द फंक्शन देन राउंड ब्रैकेट्स, अगर कोई पैरामीटर चाहिए हो तो हम इसमें ले सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स में वो सारी स्टेटमेंट्स जो इस फंक्शन की बॉडी बनेगी. सो ये जो टॉप लाइन है ये फंक्शन का हेडर है और जो इसके अंदर कंटेंट है वो फंक्शन का बॉडी है. का फंक्शन काम करने के बाद हो सकता है कोई रिजल्ट भी वापस दे, जैसे कि अगर मैं sqrt फंक्शन प्रीडिफाइंड है उसको कॉल करती हूँ तो वो मुझे स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, है ना? वैसे ही आप एक फंक्शन बना रहे हो जो कि काम करेगा और कैलकुलेशन के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. सो रिटर्न करने के लिए आपके पास रिटर्न कीवर्ड है और सिंस आप जब ये पढ़ रहे हो पीएचपी सब्जेक्ट, देयर इज 70-80% चांसेस कि आप इससे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो या सी पढ़ चुके हो, सो यू वेरी वेल नो कि फंक्शंस क्या होते हैं, है ना? और ये पहली बार आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देख रहे हो, पर अगर पहली बार भी देख रहे हो तो भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एक फंक्शन है जिसको एक काम असाइन किया गया है, वो उस काम को करता है और उसका जो रिजल्ट है वो उसको वापस भेजना है, और अगर वो उसे वापस भेजना है तो वो किस स्टेटमेंट की हेल्प से भेज सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से, राइट? सो फंक्शन ने अपना काम किया, काम करने के बाद अपने रिजल्ट को रिटर्न किया विद द हेल्प ऑफ
रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। सो रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है, अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो मत लिखो, बट अगर रिटर्न कर रहे हो तो आप लिख सकते हो। सो ये तो होता है डिफाइन करना। उसके बाद जिस जगह पर आप चाहते हो कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए वहां पर आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और कॉलिंग के लिए सिर्फ आपको नेम ऑफ द फंक्शन लिखना है एंड कॉल कर लेना है। अगर कुछ भी ब्रैकेट में पास करना होगा तो हम वो पास भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू एनीथिंग। चलो पहले एक फंक्शन बना के देखते हैं जिसका नाम देते हैं ग्रीट, ठीक है। सो ग्रीट में क्या होगा, सिर्फ वेलकम प्रिंट होगा, मैं उसको कॉल करूंगी तो। सो चलो सबसे पहले आप जब इस पे काम करना शुरू करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू इज अपना जैम्प सर्वर ऑन कर लेंगे। जैम्प सर्वर ऑन करने के बाद मैंने फाइल का नाम दिया है fun1.php, और अभी मैंने सिर्फ उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस नाम की हेडिंग शो कराई है, ठीक है। सो अब जैम्प सर्वर मेरा ऑन है, लोकल होस्ट से मैंने अपनी फाइल ओपन की है। आपकी सारी फाइल्स, आपके पीएचपी की जो भी फाइल्स है वो आप एच टी डॉक्स के अंदर सेव करोगे, जैम्प फोल्डर के अंदर, एच टी डॉक फोल्डर के अंदर, वहां पर आप अपनी फाइल सेव करोगे। यहाँ से आप लोकल होस्ट के थ्रू से ओपन करके देख सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर योर जैम्प और वैम्प और मैम्प विच एवर सेट यू आर यूजिंग, आपका सर्वर ऑन होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका कोड देखते हैं क्या है। तो इसका कोड था हमारे पास नोटपैड में, सो हियर इज माय नोटपैड, राइट। सो ये मेरा कोड है जिसमें मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एको यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू मेक अ फंक्शन। अब फंक्शन आपकी मर्जी, आप इससे पहले बनाओ इसके बाद बनाओ, वेयर एवर यू फील लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम पीएचपी वाले ब्लॉक के अंदर फंक्शन कॉल हो या बाद में कहीं हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया, नाम दे दिया ग्रीट, आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन दिस, ठीक है। और इसका नाम है तो नाम के आगे हम ये लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आई जस्ट हैव टू प्रिंट एनी मैसेज, तो मैंने प्रिंट कर दिया एको वेलकम बी आर, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ वेरी बेसिक। अब आप इसको कॉल जो है वो इसके अंदर से भी कर सकते हो, या इसको आप कॉल इसके बाहर से भी कर सकते हैं, अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे इसको हम, हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा, हम फंक्शन के नाम के आगे आप डॉलर साइन नहीं लगाओगे, राइट। सो सिर्फ वेरिएबल के नाम के आगे लगते हैं। अब यहाँ पर मैं हेडिंग भी दे सकती हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया एच टू कॉलिंग फंक्शन समथिंग लाइक दिस, और फिर मैंने यहाँ एच टू बंद कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं चाहूँ तो कॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉल किया ग्रीट एक बार, फिर मैंने लिखा एको टेस्टिंग, कुछ भी, जस्ट टू शो यू कि हम मल्टीपल टाइम्स उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर से कर दिया ग्रीट, सेव किया इसे मैंने, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देख रहे हो कॉलिंग फंक्शंस आ गया, क्योंकि वो हेडिंग था एच वन, फिर वेलकम प्रिंट हुआ, फिर टेस्टिंग प्रिंट हुआ, फिर वेलकम प्रिंट हुआ। तो जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उस रिजल्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। फिर आप उसे जब भी कॉल करोगे आप उसका नाम लिख के आगे राउंड ब्रैकेट सेमीकॉलन लिख के कॉल कर दोगे, ठीक है। ये थी एक चीज कि हम फंक्शन एक बार बना सकते हैं, कॉल कितनी भी बार कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है पासिंग दी आर्ग्यूमेंट्स टू दैट। तो यहाँ से जो वैल्यू हम पास करते हैं उसे हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो हम यहाँ पे रिसीव करते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं अंजलि, और यहाँ पे मैं पास कर दूं कुछ भी, कबीर, लेट्स से, ठीक है। एंड आई वांट कि जो भी नाम पास हो रहा है वो भी वेलकम के साथ प्रिंट हो। तो पहले तो आप उसको यहाँ पे रिसीव कर लोगे किसी वेरिएबल में, लेट्स से मैंने नेम में रिसीव कर लिया, और मैं यहाँ पर अब लिख सकती हूँ वेलकम नेम। सो मैंने यहाँ पर पैरामीटर रिसीव करा लिया, तो जो भी यहाँ से हम पास करेंगे वो इसमें रिसीव हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आपने इसको किया सेव और आपने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो इट्स प्रिंटिंग वेलकम अंजलि, वेलकम कबीर। तो हम किसी भी चीज के लिए ऐसे फंक्शन बना सकते हैं। आपको ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का बनाना है, आप वो बना लो। कैसे बनाओगे, आप दे दो फंक्शन, नाम दे दो ग्रेटेस्ट, आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया डॉलर ए डॉलर बी डॉलर सी,
और उसके अंदर हम यहाँ पर अब कोड कर देंगे। क्या कोड करेंगे? इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी एंड डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दे किसको? डॉलर ए को, क्योंकि वो सबसे बड़ा हुआ है ना। ए अगर बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए इज द ग्रेटेस्ट। सिमिलर वे मैं चेक कर सकती हूँ बाकी दोनों के लिए भी। सो आई कैन चेक हियर कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, सो आई शुड रिटर्न बी। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं सी के लिए। सी अगर ए से बड़ा है, सी अगर बी से भी बड़ा है, तो आपको क्या रिटर्न कराना है? सी। ठीक है, सो वी हैव रिटर्न ए, रिटर्न बी, रिटर्न सी। मैंने ग्रेटेस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। आप इसको कॉल करोगे, यहाँ पर आपने लिखा एको, एको के साथ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में मैंने पास कर दिया 23, 67, 48, सो इट शुड रिटर्न 67, है ना। सो आप इसको रन करके देखो, आपके पास 67 प्रिंट हो गया। ठीक है, आप पूरा मैसेज भी लिख सकते थे, ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस, या कुछ भी ऐसा जो आप मैसेज देना चाहते तो वो मैसेज भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते। ठीक है, सो इट्स प्रिंटिंग दिस दिस एंड देन दिस। तो फंक्शंस में ऐसा नहीं है कि खाली फंक्शन ही हो सकता है, आप उसमें कुछ भी पास कर सकते हो। सिर्फ पास करो, रिटर्न मत करो। आप पास करके, कैलकुलेशन करके, कंडीशन चेक करके कुछ रिटर्न भी करवा सकते हो। सो वी कैन मेक अ फंक्शन लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि बेसिक फंक्शन कैसे क्रिएट होता है पीएचपी में। तो ऑब्वियसली वो हमारी कोड की डिमांड होगी, हमारे प्रोजेक्ट की डिमांड होगी कि हमें किस तरह का फंक्शन चाहिए, उसमें हम क्या करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अ फंक्शन। फंक्शंस में एक और कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली चीज और भी लैंग्वेजेस में करी है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जैसे अभी इसमें तीन पास हो रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने गलती से यहाँ पर दो पास करा दिए, एक आपने कम भेज दिया, सो यू आर सपोज टू पास थ्री वैल्यूज, लेकिन आप समहाउ इसमें दो ही भेजा और आपने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, क्या होगा? इट गिव्स यू एरर। क्या आ गया? फैटल एरर, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ग्रेटेस्ट, टू पास, जबकि एक्सपेक्टेड कितने थे? तीन। सो तीन एक्सपेक्ट किए थे उसने, क्योंकि ऊपर तीन रिसीव हो रहे हैं और आप पास कर रहे हो दो, है ना। तो कितने आदमी थे, मतलब कितने आर्ग्यूमेंट थे? तीन, और तुमने कितने भेजे? दो। बहुत बेइंसाफी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने ही रिसीव करने पड़ेंगे, उतने ही भेजने पड़ेंगे आप, अदरवाइज वो आपको एरर शो करता है। सो ये एरर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो या तो भाई तीन पास करो, या आप चाहते हो कि ये दो के लिए भी काम कर जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर दे सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या होगा कि आपने जो दो वैल्यूज भेजी वो ए और बी में चली जाएंगी, और जो सी है वो बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा। तो तब भी वो आपको उन दो में से ग्रेटेस्ट नंबर दे देगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दी वो मैं राइट मोस्ट को दे सकती हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बी और सी को डिफॉल्ट ना दूं और ए को दे दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी, यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट मोस्ट वन। तो सबसे पहले राइट मोस्ट को देते हैं, फिर उससे पीछे वाले को, फिर उससे पीछे वाले को। हम ऐसे नहीं दे सकते बीच में जाकर। ठीक है, सो आप सी और बी को दे सकते हो तो वो सिंगल एलिमेंट के लिए भी चल जाएगा। बट द थिंग इज कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि अगर उसके लिए वैल्यू भेजी जाएगी तो जो हमने पास किया है वो उसे लेगा। इन केस उसके लिए कुछ भी पास नहीं होता है, कुछ आता ही नहीं है उसके लिए, तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा। सो ये जीरो सिर्फ तभी लिया जाएगा जब आप दो नंबर भेज रहे हो, बट अगर आपने यहाँ पर तीसरा नंबर भेज दिया तो वो जीरो नहीं लेगा, वो जो नंबर आप पास करोगे उसे लेगा। सो अगर मैंने अब 87 पास कर दिया, अब आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है, आप तीन जा रहे हैं तो तीन में से हाईएस्ट 87 आएगा, समझ रहे हो। सो हमने क्या किया, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, तो फंक्शन खाली भी हो सकता है जो कोई पैरामीटर रिसीव ना करे, फंक्शन पैरामीटर रिसीव करके बिना कुछ रिटर्न किए भी हो सकता है,
फंक्शन पैरामीटर रिसीव कर रहा होगा और रिटर्न भी कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपने पहले कोई भी कोडिंग लैंग्वेज की हुई है तो उसका सब कुछ घुला फैला के यहाँ पर दे दिया गया है। सो फंक्शंस बनाना हर लैंग्वेज की एक नेसेसिटी है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प्स यू टू क्रिएट फंक्शंस ताकि आप उन्हें फर्दर यूज कर सको, आप अपने प्रोग्राम को इजीली मैनेज कर सको। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, ऐसे ही आप एक फंक्शन बना के दिखाओगे मुझे। जैसे ये फंक्शन ग्रेटेस्ट मैंने बनाया है, आप एक फंक्शन बना सकते हो विच शुड रिसीव टू नंबर्स, ठीक है, और वो उनका HCF कैलकुलेट करके रिटर्न करे। सो मैं दो नंबर पास करूं और दोनों नंबर का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जिसे हम HCF कहते हैं वो कैलकुलेट करे और रिटर्न करे, और आप उसे PHP के थ्रू प्रिंट करा के दिखाइए। थोड़े दिन में बस हम फॉर्म्स वाला काम करेंगे, तो अभी तो क्या है, हम खुद से ही नंबर्स लेके काम कर रहे हैं। बट देन यू विल लर्न कि जो HTML में फॉर्म था उसमें से डेटा PHP में कैसे आएगा, और फिर उस डेटा पे हम काम करके रिजल्ट कैसे वापस भेजेंगे। सो वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट। पहले एक बार फंक्शंस का टॉपिक खत्म कर लेते हैं। तो वीडियो समझ आई है तो भाई लाइक पे तो क्लिक करना बनता है, ठीक है। सो बिकॉज द नंबर ऑफ लाइक्स यू गिव द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज हाई टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर क्वालिटी कंटेंट। सो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।